Good morning, class first. How are you all? I hope you all are well. Okay. Now today, children, we will do revision. Okay. Today we will do revision. R-E-V-I-S-I-O-N. Revision. Revision of chapter 7 and 11. Chapter 7 है हमारा our needs and 11 is प्लांट्स. ओके, तो आज हम इनका रिवीजन करेंगे. कल हमारा टेस्ट है, ईवीएस का थर्ड टेस्ट है कल हमारा, है ना. तो आप सबकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, बहुत अच्छी तैयारी प्रिपरेशन होनी चाहिए आप सबकी. ओके, सब अच्छे से लर्न करेंगे दोनों चैप्टर. सो चिल्ड्रन, टुडे क्वेश्चन नंबर 1, टेक द थिंग्स T-I-C-K, take the things, T-H-I-N-G-S, things, take the things that cannot live, that cannot live without water and air. W-I-T-H, without water. W-A-T-E-R, water. And air, A-I-R, air. Number one is neem tree, N-E-N-E-E-M, neem tree, T-R-E-E, tree, neem tree. Number 2, sparrow, S-P-A-R-R-O-W, sparrow. Number 3, boy, B-O-Y, boy. Number 4th, girl, G-I-R-L, girl. Number 5th, kite, K-I-T-E, kite. Number 6th, television, T-E-L-E-V-I-S-I-O-N, television. T-E-L-E-V-I-S-I-O-N, television. Okay, these are things. Okay, pick the things that cannot live without water and air. And हमें उन चीजों पर tick करना है, tick का sign लगाना है, जो बिना water और air के जीवित नहीं रह सकती है. That cannot live without water and air. नीम ट्री है, वो बिना पानी और हवा के रह सकता है? रह सकता है. टेक द थिंग्स दैट कैन नॉट लिव विदाउट वाटर एंड एयर, है ना. हमें उस चीज पर टिक करना है जो इनके बिना जीवित नहीं रह सकते. नहीं रह सकता ना. नीम ट्री को वाटर की भी रिक्वायरमेंट होती है और एयर की भी रिक्वायरमेंट होती है. सो राइट द हेयर टिक. Now number 2, S-P-A-R-R-O-W, sparrow, चिड़िया. Birds को water और air की requirement होती है, तो ये without water and air के नहीं रह सकते हैं. So, write tick here. Number 3, B-O-Y, boy. Boy को भी water और air की requirement होती है. So, write tick here. Girl, G-I-R-L, girl को भी requirement होती है. Right. Kite, K-I-T-E, kite, है ना. पतंग को वाटर और एयर की जरूरत होती है जीवित रहने के लिए. ये तो नॉन लिविंग थिंग है, है ना. ये तो बिना पानी और हवा के भी जीवित रह सकती है. सो रॉन्ग. टेलीविजन को भी जरूरत नहीं होती वाटर और एयर की, है ना. सो रॉन्ग हियर. नाउ
क्वेश्चन नंबर टू, एनिमल्स एंड ह्यूमंस, एनिमल्स एंड ह्यूमंस, एच यू एम ए एन एस, ह्यूमंस नीड दिस टू, नीड दिस टू ब्रीथ, बी आर ई ए, बी आर ई ए टी एच ई, ब्रीथ, ओके. एनिमल्स एंड ह्यूमंस नीड दिस टू ब्रीथ. एनिमल्स और इंसान को सांस लेने के लिए किसकी जरूरत होती है? एयर. किसकी जरूरत होती है? एयर. सो राइट हियर ए आई आर, एयर. नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री, वी ड्रिंक दिस टू स्टे अलाइव. वी डी आर आई एन के, ड्रिंक दिस, वी ड्रिंक दिस टू स्टे अलाइव, टू स्टे अलाइव, ए एल आई वी ई, अलाइव. हमें जीवित रहने के लिए किस चीज को पीना चाहिए? वॉटर. सो राइट हियर वॉटर, डब्ल्यू ए टी ई आर, वॉटर. नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज, रेन, पोंड, रिवर एंड ओशियंस आर, रेन, पोंड, रिवर, आर आई वी ई आर, रिवर एंड ओशियंस, ओ सी ई ए एन, ओ सी ई ए एन एस, ओशियंस आर क्या है? रेन, पोंड, रिवर एंड ओशियंस आर सोर्सेज ऑफ वॉटर, सोर्सेज ऑफ वॉटर. सो राइट हियर एस ओ यू आर सी ई एस, सोर्सेज ऑफ वॉटर, सोर्सेज ऑफ वॉटर. नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, दिस इज स्पेशल ड्रेस, टी एच आई एस, दिस इज स्पेशल ड्रेस, एस पी ई सी आई ए एल, स्पेशल, डी आर ई डबल एस, ड्रेस. दिस इज स्पेशल ड्रेस. कौन सी होती है स्पेशल ड्रेस? यूनिफॉर्म. ओके, सो है ना, लाइक देयर, लाइक दिस, स्टूडेंट्स होते हैं वो स्कूल जाते हैं तो स्कूल यूनिफॉर्म पहनते हैं, डॉक्टर्स हैं वो डॉक्टर यूनिफॉर्म पहनते हैं, है ना, पुलिसमैन है वो पुलिसमैन की यूनिफॉर्म पहनते हैं. दिस इज स्पेशल ड्रेस, तो उन्हें क्या कहते हैं हम? यूनिफॉर्म. क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म. हम किसी कंपनी या ऑफिस में जाते हैं तो वहां की यूनिफॉर्म वेयर करते हैं. ओके, सो दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म, यू एन आई एफ ओ आर एम, यूनिफॉर्म. ओके, सो वी विल रिवाइज अगेन. एनिमल्स एंड ह्यूमंस नीड दिस टू ब्रीथ एयर. क्वेश्चन नंबर थ्री, वी ड्रिंक दिस टू स्टे अलाइव. वॉटर, रेन, पोंड, रिवर एंड ओशियंस आर सोर्सेज ऑफ वॉटर. दिस इज स्पेशल ड्रेस, यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म इज अ स्पेशल ड्रेस. ओके, सो दिस इज द रिविजन ऑफ चैप्टर सेवन, आवर नीड्स. ओके, सो चिन्हम प्लीज लर्न एंड राइट दीज क्वेश्चन आंसर्स इन योर नोटबुक for the preparation of third test exam. Okay, now write four uses of plants. Four uses of plants kaun se hain? Plants give us fruits, vegetables and flowers. Number two, we get cotton from cotton plants. Number three is we get wood. For make a furniture, है ना, make a furniture from plant, from trees. Trees से हमें क्या मिलती है? Wood मिलती है, जिससे हम क्या बनाते हैं? Furniture. Number fourth is plants give us useful medicines.
प्लांट से हमें यूजफुल मेडिसिन भी मिलती है ना। सो दीज आर यूजेज ऑफ प्लांट्स। ओके, प्लांट्स आर वेरी यूजफुल फॉर अस। सो चिल्ड्रन प्लीज बेस्ट ऑफ लक ऑफ योर थर्ड टेस्ट एग्जाम। थैंक यू।